नमस्कार, प्रस्तुत है कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम। भारतीय सेनाओं ने पुष्प वर्षा, बैंड पर धुन बजाकर, फ्लाईपास्ट और युद्ध पोतों पर रोशनी कर देश भर में कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सेना की सराहना की। पिछले 3 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या की दोगुने होने का समय बढ़कर 12 दिन हुआ। गृह मंत्रालय ने माल ले जाने वाले वाहनों और चालकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। पूर्णबंदी का 3रा चरण कल से प्रभावी होगा और 956 विद्यार्थियों को लेकर दूसरी विशेष रेलगाड़ी धनबाद पहुंची। कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम में अपने सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं हूं मुकेश कुमार। थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने आज कोरोना योद्धाओं के प्रति देश की एकता प्रदर्शित करने के लिए देश भर में अनेक गतिविधियां आयोजित की हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश ने वायुसेना के विमानों से कोविड अस्पतालों पर पुष्प वर्षा का नजारा देखा। दिल्ली में हल्की बारिश और आसमान में छाए बादलों ने आज भारतीय सेना के साथ साथ मानो कोरोना योद्धाओं के प्रति अपना अभिनंदन व्यक्त किया। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों द्वारा एम्स, गंगाराम, राम मनोहर लोहिया समेत कई अस्पतालों पर गुलाब की लाल पंखुड़ियों की पुष्प वर्षा करके सेना ने स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति अपना अनूठा आभार प्रकट किया। सुखोई, MiG-29 और जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने राजपथ पर फ्लाईपास्ट करके देश के कोरोना योद्धाओं को अपनी सलामी देते हुए करीब आधे घंटे तक राष्ट्रीय राजधानी की अपनी परिक्रमा भी पूरी की। नरेला में कोविड-19 क्वारंटाइन केंद्र पर भारतीय सेना की योद्धाओं ने सेना की बैंड के धुन पर देश के कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाते हुए ये व्यक्त किया कि इस योगदान के लिए सारा देश आज एक ही धुन में कोरोना योद्धाओं के साथ खड़ा है। कोरोना योद्धाओं के मनोबल को बढ़ाने के लिए सशस्त्र बलों के प्रयासों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सभी ने मुक्त स्वरों में प्रशंसा की है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सेना के तीनों अंगों के प्रतिनिधियों ने दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर कोविड-19 महामारी से लड़ाई में पुलिस बल के अभूतपूर्व प्रयासों के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पुलिस कर्मियों के प्रयासों को नमन करते हुए भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर पुष्प वर्षा की गई। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 के खिलाफ अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं के प्रति सेना के आभार व्यक्त करने की सराहना की है। ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए पूरा देश सामूहिक दृढ़ निश्चय और अनुशासन के जरिए एकजुट है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने डॉक्टर, नर्स, पुलिसकर्मियों, सरकारी अधिकारी, मीडिया, सफाईकर्मी और अन्य कोरोना योद्धाओं के प्रति आभार व्यक्त करने के सशस्त्र सेना के प्रदर्शन का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सैन्य बलों की सराहना की है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सेना का ये एक उत्साहवर्धक कदम है। श्री मोदी ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय सैन्य बलों ने हमेशा राष्ट्र को सुरक्षित रखा है और आपदा के समय में भी ये लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उनका और उनके परिजनों की सराहना करता है। गृहमंत्री अमित शाह ने इसके लिए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और तीनों सेना प्रमुखों को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि हमारी सेनाओं के शानदार प्रदर्शन ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में हर एक भारतीय को एकजुट किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि कोरोना महामारी की संकट की घड़ी में अथक संघर्ष में जुटे कोरोना योद्धाओं के प्रति रक्षा बलों की एकजुटता के प्रदर्शन ने उनमें गहरा विश्वास भर दिया है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के रेजिडेंट डॉक्टरों ने कोविड-19 महामारी के खिलाफ जंग में एकजुट होकर खड़े चिकित्सा कर्मियों की हौसला अफजाई करने के लिए सेना का आभार व्यक्त किया है। एम्स की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत को पत्र लिखकर आभार व्यक्त किया है। एसोसिएशन ने कहा कि अस्पतालों के ऊपर फूल बरसाने तथा सेना के बैंड की धुनें बजाकर जिस अनूठे तरीके से चिकित्सा कर्मियों का अभिवादन किया वह दिल को छूने वाला है। इससे कोविड वॉरियर्स का मनोबल बढ़ा है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजन शर्मा ने कोविड-19 योद्धाओं के प्रति अनूठे और ऐतिहासिक अंदाज में आभार व्यक्त करने के लिए सशस्त्र सेनाओं को धन्यवाद दिया।
जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, डॉक्टर, नर्सेज हैं, हमारे स्वास्थ्य का सैनिटेशन वर्कर हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, लैब के जो भी कोविड में लगा है, और सबसे ऊपर हमारे जो पुलिस के भाई हैं और जो हमारे साथ दिन रात लगे हुए इस लड़ाई में जूझ रहे हैं, पब्लिक को कंट्रोल कर रहे हैं, इन सबके लिए बहुत एक फक्र और गर्व की बात है कि सेना की तीनों टुकड़ियों ने, तीनों भागों ने ये जो प्रदर्शित किया है, उन हर सालों पर फूल बरसाने का जो काम है वो हमारे लिए बड़े फक्र की बात है। मध्य प्रदेश में वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होकर स्वास्थ्य कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए भोपाल के दो अस्पतालों पर फूल बरसाए। वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर ने भोपाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और एक निजी अस्पताल पर फूलों की पंखुड़ियां बरसाई। दोनों अस्पताल के कर्मचारियों ने सेना के इस अभिवादन को तालियां बजाकर स्वीकार किया। सशस्त्र सेनाओं ने असम में भी कोरोना वॉरियर्स के प्रति एकजुटता और सम्मान प्रदर्शित किया। असम के गुवाहाटी में राज्य विधानसभा के ऊपर 3 Sukhoi-30 ओर के एकजुटता दिखाए। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और महेंद्र मोहन चौधरी हॉस्पिटल के ऊपर वायुसेना के हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्पवृष्टि किया गया। वायुसेना बैंड ने सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए धुन भी बजाए। सभी डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं ने सशक्त बलों के प्रदर्शन को देखा और उनका भी आभार व्यक्त किया। इसके अलावा असम के अन्य स्थानों पर पुलिस कर्मी लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए प्रयास में जुटे हुए हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्यभर में COVID-19 से संक्रमण मुक्त क्षेत्रों में कल से शराब समेत सभी गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी भूषण गागरानी ने बताया कि ये रियायत रेड जोन की दुकानों को भी मिलेगी। इससे पहले केवल ग्रीन और ऑरेंज जोन में चल रही दुकानों को ये रियायत दी गई थी। एक रिपोर्ट। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि जो शहर रेड जोन के नॉन कंटेनमेंट क्षेत्र में आते हैं वहां के स्टैंड अलोन दुकानों में शराब की बिक्री, कपड़े, जूते, स्टेशनरी जैसी गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री करने वाली दुकानें खुली कर दी जाएगी। सरकार ने आगे कहा कि एक लेन में केवल 5 दुकानों को पूरे दिन के दौरान चालू करने की अनुमति दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। COVID-19 योद्धाओं के लिए आभार प्रदर्शन व्यक्त करते हुए भारतीय वायुसेना का हवाई जहाज Sukhoi-30 ने JJ अस्पताल, KM अस्पताल और कस्तूरबा गांधी अस्पताल पर फूलों की वर्षा की। इन अस्पतालों में कोरोना वायरस रोगियों का इलाज किया जा रहा है। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर 5 नौसैनिक जहाजों को रोशन किया गया है। एक अन्य घटनाक्रम में पुणे शहर के ससून अस्पताल को गंभीर COVID-19 रोगियों पर प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए ICMR की अनुमति मिली है। इस बीच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के लिए एक और श्रमिक ट्रेन आज सुबह 1100 से अधिक प्रवासी मजदूरों को लेकर पालघर जिले के वसई रोड स्टेशन से रवाना हुई। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत प्रतिदिन दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे डीडी भारती, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें: DD60, टाटा स्काई 1194, एयरटेल 151, सन डायरेक्ट 326, वीडियोकॉन DTH 480, डिश टीवी 197 और डेन 522। समय याद रखें दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे। प्रतिदिन देखें लोकप्रिय धारावाहिक महाभारत। अथ श्री महाभारत कथा। दर्शकों का पसंदीदा धारावाहिक श्री कृष्ण जल्द आ रहा है DD नेशनल, फ्री डिश और अन्य DTH चैनल पर। सब्सक्राइबर्स अपना चैनल नंबर नोट करें: फ्री डिश 001, टाटा स्काई 114, एयरटेल 148, सन डायरेक्ट 302, वीडियोकॉन D2H 149, डिश टीवी 193 और डेन 138। आगामी आकर्षण धारावाहिक श्री कृष्ण। ये आकाशवाणी है।
देश में कोविड 19 मरीजों के स्वस्थ होने की दर 26% से ज्यादा हो गई है। अभी तक 10,887 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और इन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 682 रोगी स्वस्थ हो गए हैं। देश में फिलहाल 40,263 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। इनमें से 1,306 रोगियों की मृत्यु हो गई है, शेष 28,070 का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से पूर्णबंदी की बढ़ी अवधि के दौरान इसका सही अर्थों में पालन करने की अपील की है, जिससे संक्रमण की श्रृंखला तोड़ी जा सके। उन्होंने कोविड 19 के मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों के काम में बाधा न डालने और स्वस्थ हो चुके लोगों के प्रति भेदभाव नहीं करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने आज नई दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया और कोविड 19 के प्रबंधन की समीक्षा की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने संतोष व्यक्त किया कि डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों को संक्रमण मुक्त करने की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में कोविड 19 रोगियों के स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में कोविड 19 से बचाव, रोकथाम की प्रक्रिया और प्रबंधन की उच्च स्तर पर लगातार निगरानी की जा रही है। ये राज्यों के सहयोग से संभव हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आज मिले आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 दिन में संक्रमित लोगों की संख्या के दोगुना होने की दर बढ़कर 12 दिन, पिछले 7 दिन में 11.7 और पिछले 14 दिन में 10.4 रही है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण को प्रभावी बनाने के लिए आपसी सुरक्षित दूरी और बार बार हाथ धोने जैसे उपायों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी तक 10 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस के परीक्षण हो चुके हैं। प्रतिदिन 74,000 से ज्यादा परीक्षण किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे देश में 22 लाख से ज्यादा पीपीई किट वितरित की हैं। दुनिया भर में 100 से अधिक देशों के हाइड्रोक्लोरोक्वीन और पैरासिटामोल दवाइयों की आपूर्ति की गई है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोविड 19 महामारी को देखते हुए युवाओं को सामाजिक दूरी रखने और साफ सफाई के प्रति जागरूक बनाने के लिए कई रचनात्मक गतिविधियां शुरू की हैं। एक रिपोर्ट। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड 19 संक्रमण से बचाव के लिए सभी एहतियाती उपाय किए जा रहे हैं। ग्राम प्रधान कोरोना के बारे में केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों का पालन कर रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव उत्पल कुमार ने आकाशवाणी को बताया कि सभी ग्राम पंचायतों से इन दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। पंचायतों के ग्राम प्रधानों को इस संबंध में हम लोगों ने सारी सूचनाएं कराई हैं और समय समय पर उनसे अपील किया है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं पालन गांव में हो, जो लॉकडाउन करने के आदेश हुए हैं उनका भी अनुपालन वो करवाएं। साथ ही में जो हमारे कृषि कार्य हैं वो एग्जेप्शन की सूची में हैं, तो कृषि कार्य करते हैं। अभी हम लोग ये कह रहे हैं कि मास्क का जो है प्रयोग गांव में हो। राज्य में कृषि गतिविधियों से जुड़े लोग मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन कर रहे हैं। विकास परियोजनाएं और मनरेगा के तहत किए जाने वाले काम प्रगति पर हैं। मनरेगा के तहत राज्य में हजारों की संख्या में ग्रामीण लोगों को रोजगार मिला है। टिहरी गढ़वाल जिले के जखनियाली गांव की ग्राम प्रधान श्रीमती ऋषिता श्याल ने बताया कि गांव वालों को सरकारी योजना से लाभ मिल रहा है। हमारी ग्राम पंचायत में मनरेगा के तहत नहरों, चेक डैम आदि कार्यों का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 100 से अधिक ग्रामीण मजदूर कार्य कर रहे हैं। ग्राम पंचायत में जिन लोगों के कार्ड बने हैं उनको तो रोजगार मिल ही रहा है, लेकिन उन लोगों को भी जो कि कोरोना संक्रमण के चलते अन्य प्रदेशों से गांव लौट आए हैं, जो कि बेरोजगार हो गए हैं, उनको भी मनरेगा योजना का लाभ दिया जा रहा है। सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इसके अलावा भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मेरी ग्राम पंचायत को मिल रहा है, जैसे कि जन धन योजना, उज्ज्वला योजना, समाज कल्याण की विकलांग, विधवा और वृद्धा पेंशन भी लाभार्थियों को मिल रही है। प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना का मुफ्त राशन मेरी ग्राम पंचायत को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश जल्दी ही कोरोना मुक्त राज्य हो जाएगा। राज्य में कोरोना से संक्रमित 34 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और केवल एक ही कोरोना पॉजिटिव मरीज बचा है। राज्य में अब तक 40 लोग जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। पंजाब में कोविड 19 से आज और 331 लोगों के संक्रमित होने के साथ ही अमृतसर, एसबीएस नगर, गुरदासपुर और लुधियाना समेत कई जिले हॉटस्पॉट बन गए।
हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कम से कम 325 संक्रमित व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र के नांदेड़ से लौटने वाले श्रद्धालु हैं। राज्य में अभी तक 1102 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 117 स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में 964 का इलाज चल रहा है और 21 की मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली सरकार लॉकडाउन में छूट देने के लिए केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों का पालन करेगी। नई दिल्ली में आज संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कारण राजस्व और रोजगार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दिल्ली इस नुकसान को ज्यादा दिन तक सहन नहीं कर सकती, इसलिए लॉकडाउन के नियमों में छूट देकर कामकाज फिर से शुरू करने की तैयारी की गई है। श्री केजरीवाल ने कहा कि सोमवार से जरूरी सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के दफ्तर सभी कर्मचारियों के साथ काम करेंगे, जबकि निजी कार्यालयों को 33% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति होगी, लेकिन उड़ानों, दिल्ली मेट्रो और बसों पर पाबंदी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे, लेकिन जरूरी वस्तुएं तथा किताबें और स्टेशनरी बेचने वाली छोटी दुकानें खुली रहेंगी। कुछ औद्योगिक गतिविधियों की भी अनुमति होगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि विनिर्माण गतिविधियां फिर से शुरू की जा सकेंगी, लेकिन इनमें काम करने वाले श्रमिकों को परिसर में ही रहना होगा। उन्होंने कहा कि राजधानी में कृषि से जुड़ी गतिविधियों की भी अनुमति होगी। ई कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक वस्तुओं को ही बेचने की अनुमति दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण का सख्ती से पालन करने तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आर्थिक और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन के तीसरे चरण में कंटेनमेंट जोन और कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर सख्ती से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन के बाहर आवश्यक वस्तु, निर्माण कार्य और अन्य औद्योगिक गतिविधियों को निश्चित प्रतिबंधों के साथ अनुमति दी जाएगी। एक रिपोर्ट। प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने लखनऊ में पत्रकारों को बताया कि लॉकडाउन का अनुपालन करने और गतिविधियों का संचालन करने के लिए केंद्र की गाइडलाइंस के अनुसार जनपदों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। उन्होंने बताया कि रेड जोन में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक परिवहन, साइकिल या ऑटो रिक्शा या कैब चलाने की अनुमति नहीं रहेगी। ग्रीन जोन में 50% क्षमता के साथ बसों का संचालन अनुमन्य होगा, लेकिन जिले की सीमा के भीतर। राज्य में सभी कार्यालय 33% कर्मचारी क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोई भी सामाजिक या धार्मिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्तर पर आयोजित नहीं किया जाएगा। गुटखा और तंबाकू पर पहले ही प्रतिबंध है। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा। रेड जोन में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में हॉटस्पॉट के बाहर क्लिनिक खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी। रेड जोन में उन संनिर्माण कार्यों को अनुमति रहेगी जहां श्रमिक कार्यस्थलों पर ही निवास करते हैं। राज्य में 65 वर्ष से ऊपर के वृद्धजनों, 10 वर्ष से नीचे के बच्चों, गर्भवती महिलाओं तथा किसी अन्य बीमारी से ग्रसित लोगों से घरों पर ही रहने के लिए कहा गया है। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। श्रीनगर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विधिक सेवा प्राधिकरण ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए युवाओं को सामाजिक दूरी रखने और साफ सफाई के प्रति जागरूक बनाने के लिए कई रचनात्मक गतिविधियां शुरू की हैं। जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए एक रचनात्मक गतिविधि में स्थापित करने के लिए जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की पहल का उत्साहजनक प्रतिक्रिया जारी है। ये पहल मुख्य न्यायाधीश जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति गीता मित्तल और कार्यकारी अध्यक्ष जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी न्यायमूर्ति राजेश बिंदल के संरक्षण में चल रही है। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू कश्मीर और लद्दाख के निदेशकों के सहयोग से जम्मू कश्मीर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान रचनात्मक गतिविधियों में बच्चों को संलग्न करने के लिए एक्टिविटी कोरोना के तहत कई रचनात्मक गतिविधियां आयोजित की हैं। प्रतिभागियों ने विशेष रूप से अपनी कलात्मक प्रवृत्ति के माध्यम से बच्चों को घातक कोरोना वायरस के संचरण को रोकने के लिए सामाजिक दूरी को बनाए रखने और नियमित रूप से हाथ धोने जैसे उपायों का पालन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। श्रीनगर से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं सुनील कोल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा कि केंद्र सरकार की पूर्णबंदी के दौरान दी जाने वाली छूट राज्य के ग्रीन और ऑरेंज जोन में फिलहाल लागू नहीं होंगी। श्री सोरेन ने कहा कि सावधानी के तौर पर लॉकडाउन अगले 2 सप्ताह 17 मई तक पूरे राज्य में प्रभावी रहेगा। गृह मंत्रालय की सूची के अनुसार झारखंड के 24 जिलों में से रांची को रेड जोन में रखा गया है। इसके अलावा 9 जिले ऑरेंज जोन और 14 जिले ग्रीन जोन में हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पिछले 7 दिन में कोरोना संक्रमण का एक भी मामला सामने नहीं आया है। आज कोविड-19 संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर 1 रह गई। 6 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव चेतन बी सांघी ने ट्वीट पर यह जानकारी दी।
आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। भारतीय सेनाओं ने पुष्प वर्षा, बैंड पर धुन बजाकर, फ्लाईपास्ट और युद्ध पोतों पर रोशनी कर देशभर में कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सेना की सराहना की। पिछले तीन दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के दोगुने होने का समय बढ़कर 12 दिन हुआ। गृह मंत्रालय ने माल ले जाने वाले वाहनों और चालकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। पूर्णबंदी का तीसरा चरण कल से प्रभावी होगा और 956 विद्यार्थियों को लेकर दूसरी विशेष रेलगाड़ी झारखंड के धनबाद पहुंची। कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए पूर्णबंदी का तीसरा चरण कल से प्रभावी हो जाएगा। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 4 मई के बाद लॉकडाउन की अवधि 2 और सप्ताह बढ़ाने की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देशभर के जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। प्रत्येक जोन के लिए अलग अलग दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि ग्रीन जोन में दिन प्रतिदिन की सभी गतिविधियों की मंजूरी दे दी गई है, लेकिन भीड़ एकत्र करने की अनुमति नहीं होगी। गृह मंत्रालय का नियंत्रण कक्ष पूर्णबंदी की बढ़ाई गई अवधि के दौरान खाली ट्रकों और माल ले जाने वाले वाहनों की एक राज्य से दूसरे राज्य में आवाजाही से संबंधित समस्याओं के समाधान में मदद करेगा। इस काम में सहायता के लिए नियंत्रण कक्ष में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों को भी नियुक्त किया गया है। चालक और ट्रांसपोर्टर नियंत्रण कक्ष के नंबर 1930 पर अपनी शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्गों पर आने वाली दिक्कतों के बारे में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 1033 पर भी संपर्क किया जा सकता है। रेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी मजदूरों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य फंसे हुए लोगों को लाने के लिए कुछ विशेष रेलगाड़ियां राज्य सरकारों के अनुरोध पर चलाई जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सभी यात्री रेल सेवाएं निलंबित रहेंगी और रेलवे केवल उन्हीं यात्रियों को स्वीकार कर रहा है जिनके लिए राज्य सरकारों ने सूची उपलब्ध कराई है। किसी अन्य यात्री या व्यक्ति को यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन आने की अनुमति नहीं है और न ही किसी स्टेशन पर टिकट बेचे जा रहे हैं। अहमदाबाद में साबरमती से 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही एक और विशेष रेलगाड़ी आज उत्तर प्रदेश में कानपुर पहुंची। राज्य में लाए गए सभी श्रमिकों को चिकित्सा जांच और लॉकडाउन के दिशा निर्देशों के पालन करने के साथ ही उन्हें अपने अपने जिलों में भेज दिया गया। राजस्थान में आज कोविड-19 के 60 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर राज्य में ऐसे मरीजों की संख्या बढ़कर 2832 हो गई है। जोधपुर में 27 लोगों में कोरोना के संक्रमण पाए गए। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि राज्य में आने वाले और वापस जाने वाले 15 लाख प्रवासी श्रमिकों ने अपना पंजीकरण कराया है। राजस्थान से अब तक लगभग 1.5 लाख श्रमिक और प्रवासियों का आवागमन हुआ है। कोटा से आज 2 विशेष रेल यहां पढ़ रहे विद्यार्थियों को लेकर बेगूसराय के लिए रवाना हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कई राज्य अभी भी प्रवासियों के आवागमन को अनुमति नहीं दे रहे हैं। ऐसे में प्रवासी और श्रमिकों को धैर्य रखना चाहिए क्योंकि जल्द ही कई सुविधाएं बहाल होंगी। श्री गहलोत ने निजी चिकित्सालयों से कहा कि वे ऐसे कठिन समय में अपना धर्म निभाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसे अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जो मरीजों का इलाज नहीं कर रहे हैं या बिना किसी कारण के उन्हें सरकारी अस्पतालों के लिए रेफर कर रहे हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में फंसे मजदूरों के पंजीकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार अब तक 50,000 प्रवासी मजदूरों को वापस ला चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 0755241180 है, जिस पर देश भर में कहीं भी फंसे मजदूर अपनी सूचना दे सकते हैं। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश के अन्य हिस्सों में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए लोगों से आग्रह करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ICP केशरी ने बताया कि तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, गोवा और महाराष्ट्र में फंसे राज्य के प्रवासी मजदूरों को ट्रेन से वापस लाने की योजना है। इस बारे में संबंधित पक्षों से बातचीत जारी है। वहीं गुजरात से शनिवार को लगभग 6,000 लोगों को वापस लाया गया, जबकि 2 से 3 हजार प्रवासी पैदल आ गए हैं। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 2,788 हो गई है। प्रदेश के कुल 52 जिलों में से 33 जिले संक्रमण से प्रभावित हैं। अब तक 624 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से उबरकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 151 की मृत्यु हो गई है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केरल, राजस्थान और कर्नाटक में फंसे प्रवासी मजदूर और छात्रों को लेकर 12 रेलगाड़ी बिहार के विभिन्न हिस्सों में पहुंच रही हैं।
राजस्थान के कोटा से 956 छात्रों को लेकर रवाना हुई दूसरी विशेष राहत रेलगाड़ी आज झारखंड में धनबाद पहुंच गई है। इस रेलगाड़ी में धनबाद के अलावा बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा और जामताड़ा जिले के छात्र शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने आज प्रवासी मजदूरों के लिए मुफ्त परिवहन की व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक बयान में बताया है कि फैसला मंगलवार तक प्रभावी रहेगा और राज्य परिवहन की बसें राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए कोई किराया नहीं वसूलेंगी। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका के कमिश्नर बीएच अनिल कुमार ने जानकारी दी है कि राज्य के चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र गृह मंत्रालय को पत्र लिखा है कि बेंगलुरु के 177 म्युनिसिपल वार्ड्स को ग्रीन जोन में लाने की अनुमति दें। अभी पूरे बेंगलुरु को रेड जोन में रखा गया है। कमिश्नर ने बताया कि कुल 198 वार्ड्स में से 21 वार्ड्स में ही कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पाए गए हैं। इनको छोड़कर अगर संक्रमण से सुरक्षित 177 वार्ड्स में ग्रीन जोन बनाया गया तो कंटेनमेंट जोन की नियम लागू नहीं होंगे। कमिश्नर ने जानकारी दी है कि शहर में स्टैंड अलोन दुकान, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिक और प्लम्बिंग दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी गई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। केरल से कोविड-19 को लेकर अच्छी खबर आई है। राज्य में आज कोविड का एक भी मामला सामने नहीं आया, जबकि एक व्यक्ति संक्रमण से मुक्त हो गया है। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित 95 लोगों का इलाज चल रहा है। केरल में कोविड संक्रमण के 499 मामले सामने आए थे, जिनमें से 401 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों ने पिछले महीने 52 करोड़ रूपये की रिकॉर्ड बिक्री की। इससे लोगों को लगभग 300 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, क्योंकि जन औषधि केंद्र की दवाई औसत बाजार मूल्य से 50-90% सस्ती है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा तथा राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस रिकॉर्ड बिक्री के लिए जन औषधि केंद्र संचालकों को धन्यवाद दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में आपको कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय से अवगत कराता है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा है कि कोरोना आपदा से उबरने के लिए हमें सामान्य जीवन जीने के लिए प्रयास करने होंगे। सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में लोगों से परस्पर सामाजिक दूरी बनाए रखने तथा केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कोरोना वायरस के विरुद्ध संघर्ष में कोविड योद्धाओं के सम्मान में सशस्त्र सेना की गतिविधियों को दर्शाने वाला एक पौराणिक धारावाहिक श्रीकृष्णा आज रात 9 बजे से दूरदर्शन के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सेनाओं ने पुष्प वर्षा, बैंड पर धुन बजाकर, फ्लाईपास्ट और युद्धपोतों पर रोशनी कर देशभर में कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कोविड योद्धाओं का सम्मान करने के लिए सेना की सराहना की। पिछले 3 दिन में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या के दोगुने होने का समय बढ़कर 12 दिन हुआ। गृह मंत्रालय ने माल ले जाने वाले वाहनों और चालकों की समस्याओं के समाधान के लिए नियंत्रण कक्ष स्थापित किया। पूर्णबंदी का तीसरा चरण कल से प्रभावी होगा और 956 विद्यार्थियों के लेकर दूसरी विशेष रेलगाड़ी झारखंड के धनबाद पहुंची।
इसके साथ ही कोविड-19 पर विशेष समाचार कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।